तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नसरीन की रेसिपी चैनल पे। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन चौली पालक, और वीडियो में आखिरी तक बने रहना। तो चिकन चौली पालक बनाने के लिए लेंगे एक गड्डी पालक, एक गड्डी चौली ली हूँ मैंने यहाँ पे। इसको तीन पानी से अच्छी तरह धो लिया। आधा किलो चिकन ली हूँ, इसे भी मैंने अच्छे से धो लिया है। दो मीडियम साइज़ के कांदा है, दो मीडियम साइज़ टमाटर है, 10 से 15 एक मुट्ठी भर के हरी मिर्च है, 10 से 12 लहसुन की कलियां है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको चिकन बॉईल करना है, तो इसके लिए हम लोग करते हैं हमारा गैस ऑन और इसके पानी की कढ़ाई। और जो हमने आधा किलो चिकन लिया था, ये पूरा चिकन हम डाल देंगे इसके अंदर। हमने चिकन बोन के साथ लिया है, बोन के साथ ये चिकन के अंदर पालक और चौली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और इसी के साथ में हम लोग डाल देंगे हल्दी, आधा टी स्पून हल्दी है ये। अब इसी के साथ में इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। ये मैं भाजी का और चिकन का नमक साथ में ही डाल दूँगी, और अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप चेक करके वापस डाल सकते हैं। इसी के ये फुल आँच पे रखना है हमें। इसी के साथ में हम लोग डाल देंगे इसमें हमारा जो मीडियम साइज़ का दो कांदा था वो, और इसी के साथ में दो मीडियम साइज़ के टमाटे। इन्हें साथ में पकने देंगे, तब तक के हम हमारी हरी मिर्च और लहसुन ये पीस के लेंगे। इसको खाली दर दरा पीसना है बस। अब इसको हम दर दरा पीस के ले लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसका पूरा पानी ड्राई करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में हम इसके अंदर जो हमने हरी मिर्ची और लहसुन दरदरा कूटा है, इसी के साथ में मैं डाल दूंगी जो मैंने हरी मिर्ची और लहसुन दरदरा पीसा था, उसको मैं ऐड कर दूंगी। मेरे यहाँ थोड़ा तीखा खाते, आप लोग आपके हिसाब से डालना, नहीं तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा। इसका हम लोग अच्छे से पानी सुखा लेंगे, थोड़ा मिला लेंगे अच्छे से। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको कोई भी मटन में बना सकते हो, इसमें बकरे के मटन में भी आप इसमें बनाएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। खाली थोड़ा मटन के अंदर फैट रहना चाहिए, थोड़ा चर्बी ले लेना, उससे वो बहुत टेस्टी बनता है और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है चिकन से भी। अब ठीक है, हम लोग इसके अंदर डाल देंगे तेल, ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। मैं तो 4 टीस्पून डाल दूँगी, आप आपके हिसाब से डालिए। थोड़ा भाजी में तेल अगर ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा इसको और हिला लेते हैं। देखिए इसका कलर अभी भी इतना प्यारा लग रहा है, देखिए बहुत ही माशाल्लाह। ये डिश बहुत टेस्टी लगती है, इसको जवारी की रोटी के साथ या बाजरी की रोटी के साथ भी खा सकते हो, और चपाती से भी अच्छी लगती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है, लेकिन जवारी की और बाजरे की रोटी के साथ में बहुत टेस्टी लगती है ये। इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, और इसी के अंदर इसी के साथ में हम लोग भाजी ऐड कर देंगे। ये भाजी जैसे जैसे पकेंगी वैसे वैसे कम होते जाएंगी, ये भाजी धीरे धीरे कम हो जाएंगी पकने के बाद में, फिर ये इसके अंदर बैठ जाएंगे आराम से। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही पकने देते हैं, इसका पानी भी सूख जाएगा और हमारा चिकन भी इसी के साथ में टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा अच्छी तरीके से। जब भाजी कम हो जाएंगी उस वक्त इसके अंदर आप नमक चेक कर लेना, अगर आपको सही लगे तो ठीक है, कम लगे तो उसी वक्त डाल सकते हो। ठीक है, अभी इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये फटाफट धीरे धीरे पक्के कम हो जाएंगे। फास्ट आग फुल पे भी रखेंगे तो भी चलेगा, अभी आज स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा जब तक कि ये भाजी अपना दबने जाता है तब तक। बस देखिए हमारी भाजी यहाँ पे पूरी तरीके से हमारे कढ़ाई में अच्छे से बैठ गई है। ठीक है, कम हो गई है भाजी। अभी हमको क्या करना है इस टाइम पे, इसके अंदर पानी जो है उसको सुखाना है, उसको ड्राई करना है। ठीक है, इतना पानी इसके अंदर नहीं चाहिए, इसको हम लोग ड्राई करेंगे। इसको और थोड़ी देर, अब इसको ढक्कन रख के हम लोग पका लेते हैं। और इस टाइम पे हम लोग करेंगे हमारा गैस स्लो। तो
तो देखते हैं 10 मिनट के बाद में हमारी भाजी क्या बोल रही है। तो हमारी भाजी बोल रही है, मैं एकदम टेस्टी बन रही हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और फिर मेरा मज़ा लीजिए, सेहत भी और टेस्ट भी। देखिए हमारी भाजी, अब इसके ये टाइम पे अगर आपको इतना ग्रेवी भाजी के अंदर चाहिए तो आप इतना ग्रेवी रख सकते हो, और अगर नहीं चाहिए तो इसको ड्राई कर लीजिए फुल आंच पे। इसमें हमारा चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है और हमारी भाजी भी अच्छे से पक चुकी है। अब जितना आपको इसमें पानी चाहिए, इतना ग्रेवी अगर चाहिए आपको तो रखिए, और नहीं तो इसको ड्राई कर लीजिए। ये भी टेस्ट अच्छा लगेगा और वैसे भी। अब यहाँ पे इस टाइम पे आप इसके अंदर नमक चख के आपके हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो ये भाजी तैयार हो गई है, लेकिन इसका थोड़ा सा पानी में ड्राई कर लेती हूँ। मेरे यहाँ थोड़ा ड्राई भाजी पसंद करते हैं, आप आपके हिसाब से रखना। लेकिन ये एक बार रेसिपी ज़रूर बनाना, ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है क्योंकि हरी भाजी है। ज़रूर आप टेस्ट करना, इसको बनाना एक मरतबा भी, तो सुबह में टिफिन में भी लेके जा सकते हो, या अगर कहीं सफ़र पे जा रहे हो घूमने के लिए या कहीं गाँव, तो अपने साथ में भी इसको कैरी कर सकते हो। ये भाजी है, अगर साथ में लेके जाना है कहीं तो इसको ड्राई कर लेना, इतना ड्राई करना कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, इसका ऑयल भाजी से अलग हो जाए। तो ये फिर आपने इसको बिना गर्म करे कि ये 2 दिन तक की भी ख़राब नहीं होती है, फिर चाहे कोई भी मौसम हो। और ये भाजी जितनी ले, मतलब आज आपने बनाया इसको 2 दिन के बाद खा रहे हो, ये उससे दुगना टेस्ट देगी। अभी मैं इसको फुल आँच पे थोड़ी देर इसका पानी और ड्राई कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसको प्लेट करके बताती हूँ, डिश आउट करके बताती हूँ कि ये भाजी कैसी लगी। दोस्तों हमारे भाजी का पानी पूरी तरीके से ड्राई हो गया, अब हम भाजी को इतने पे ही बंद कर देते हैं। हमारा तेल भी अलग हो गया है भाजी से और हमारी भाजी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई। ठीक है, अब हम यहाँ पे बंद करते हैं हमारा गैस और हम करते हैं इसे डिश आउट, आपको डिश आउट करके बताते हैं। और हमारा अब हम करते हैं डिश आउट। यहाँ पे हमारा चिकन भी अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है, सारे पीसेस हमारे गल चुके हैं चिकन के। देखिए बहुत ही प्यारी बनी है हमारी सब्ज़ी। अब इसको रोटी, जवारी की रोटी, भाकरी, जवारी की भाकरी या चपाती से भी इसे खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसी में थोड़ा सा पानी रखना चाहिए, अगर आपको चाहिए पूरा ड्राई आप इसको पूरा ड्राई भी कर सकते हो, ये अच्छा लगता है। ये हमारा तो दोस्तों यहाँ पे हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।